न बैक विथ आर एवरी डे सेगमेंट मार्केट टॉक्स विध पिनाकल दोज हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम जस्ट उनको एक बार छोटी सी जानकारी दे दें कि ये एक सेगमेंट है जो हम लोग पिछले कुछ टाइम से ऑलमोस्ट एवरी डे चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो कीप इफ यू रियली वॉन्ट टू स्टे अपडेटेड फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी Then don't uh, forget to follow our channel and subscribe, and also push the notification button so that every day when we have the video, you get a notification for that and you don't miss out on the video. So, guys, if you see on the screen, the nifty chart is exactly where we had left, and we will start exactly.

स्ट्रेट अवे एक रेजिस्टेंस पॉइंट था यहाँ पे आप देख सकते हैं इसलिए वहाँ से एक अच्छी खासी हमें सेलिंग देखने को मिली ऑल दो इंट्रा डे में एटीन टू फिफ्टी एट टू सिक्सटी के लेवल के आसपास एक अच्छी बाइंग हो रही थी बट लास्ट आवर में द मार्केट कुड नॉट सस्टेन इनफैक्ट लास्ट हाफ एन आवर में एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को हमें मिली और मार्केट जो है वो अपने लो पॉइंट पे क्लोज हुआ तो कल कहाँ मार्केट ओपन होगा कल मंथली एक्सपायरी है सो so, कल हम लोग देखेंगे कि मार्केट कहाँ ओपन होता है अभी बहुत आइडिया हम लोग नहीं लगा सकते एस जी एक्स निफ्टी को देख करके के बिकॉज़ वॉट यू आर सींग इन एस जी एक्स निफ्टी इट्स द दिसंबर फ्यूचर्स द मार्केट्स हैव टमारो देर इज सम हॉलीडे सो बिकॉज ऑफ़ दैट एस जी एक्स निफ्टी इज शोइंग द लेवल्स ऑफ डिसम्बर फ्यूचर सो यू कैनोट ट्रस्ट और यू कैनोट रिलाई वेर इट इज़ ओपनिंग बट हाँ कल के लिए अगर आप लेवल्स नोट करें तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा एटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी इन फैक्ट ये एक पूरा रेंज होगा एटीन थ्री ट्वेंटी और से थ्री फिफ्टी के बीच का अबव दिस लेवल यू कैन सी शॉर्ट कवरिंग एंड यू मे ईवन सी एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड वंस टूमारो इट्स सेल्फ वाइल ऑन द डाउन साइड एटीन थाउजेंड ट्रू डाउन साइड में काफ़ी सारे अच्छे सपोर्ट्स हैं तो एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी के नीचे आपको थोड़ा एक पुल बैक देखने को मिल सकता है एंड मे बी अगर एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी और एटीन थाउजेंड वन फिफ्टी के नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो एक और एक अच्छा खासा पुल बैक जो कि फिर से अठारह हज़ार का लेवल हो सकता है लेकिन वो आ, बाद में हम लोग देखेंगे लेट अस सी व्हेन दैट हैपेंस द ओनली लेवल फॉर टुमारो इम्पोर्टेंट इज़ एटीन थ्री ट्वेंटी उसके ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है एंड ऑन द डाउन साइड एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी वहाँ पर क्या होता है वो देखना पड़ेगा आ, मैं बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग के फेवर में नहीं रहूँगा इस मंथ सो so, अगर गैप uh, डाउन भी खुलता है तो भी मैं अवॉइड करूंगा शॉर्ट पोजीशंस मार्केट इज़ क्लियरली बुलिश सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस टुमारो आई 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 विल अवॉइड प्लेइंग शॉर्ट साइड ऑन द लॉन्ग साइड लॉन्ग ओनली अबव एटीन थाउजेंड थ्री ट्वेंटी थ्री फिफ्टी लेवल्स उससे पहले लॉन्ग नहीं ओके एंड देन वी कम टू बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी इफ़ यू सी इफ़ यू रिमेंबर yesterday इफ यू हैव इफ यू डोंट रिमेम्बर गो बैक सी yesterday's वीडियो ये एरोमार्क आप देख सकते हैं हम लोग ये रेंज बार बार डिस्कस कर रहे थे दैट एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सॉरी फोर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड का जो लेवल था उसके ऊपर एंड वी हैड क्लियरली मैंशन दैट अबव फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी बैंक निफ्टी वुड बी लॉन्ग तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ओपन हाई लो प्राइस दिख रहा है तो द ओपन प्राइस वाज 42,675 एंड लो प्राइस है 42,556 जो कि एग्जैक्टली सपोर्ट हमने कई बार डिस्कस किया है आप कल के वीडियो में जा करके के इसको बार बार चाहें तो देख सकते कल परसों दो दिन पहले के वीडियोस में भी इस लेवल को कई बार हमने डिस्कस किया है कि 42,550 के ऊपर आपको एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड फ्रॉम 42,550 वी गॉट अ रैली टिल 42,850 एक 300 पॉइंट की अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी इसमें कोई डाउट नहीं है ये शॉर्ट कवरिंग रैली थी जो शॉर्ट्स थे वो ट्रैप हो चुके थे एंड देवर बुकिंग आउट देअर शॉर्ट्स तो कल के लिए एक बार फिर से ये लेवल इम्पॉर्टेंट हो जाएगा फोर्टी टू थाउजेंड फाइव फिफ्टी इसके नीचे आपको फिर से फोर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं हाव एवर इफ़ यू आस्क मी मैं शॉर्ट के लिए फिर कल भी नहीं प्ले करूँगा ऑन द अपसाइड आपको देखना होगा फोर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड के ऊपर एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है सो so, लेवल को याद रखिए ऑन द अप साइड इट शुड बी फोर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड अबाउट लेवल्स वाइल ऑन द डाउन साइड फोर्टी टू थाउजेंड फाइव फिफ्टी या इवन फोर्टी टू थाउजेंड सिक्स फिफ्टी का भी जो लेवल होगा सिक्स फिफ्टी के नीचे आपको एक सौ पॉइंट का मूव डाउन साइड में सौ डेढ़ सौ पॉइंट का मूव आप प्ले कर सकते हैं इंट्राडे में तो गाइज इस सेगमेंट में हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी और कभी कभी कुछ एक स्टॉक्स भी डिस्कस कर लेते हैं सो so, आज का हमने एक इंट्राडे ट्रेड लिया था बॉश का तो बॉश को आप देख सकते हैं बॉश डेली में काफ़ी अच्छा बुलिश है और आज सुबह इसने एक पिछले दो दिन के जो हाईएस्ट लेवल है उसको ब्रेक किया था सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसी लेवल पे हमने बाइंग दी थी अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम में जा कर के देखें तो हमें क्लियरली दिखेगा कि ये किस तरह से अच्छी एक एंट्री हमें मिली थी यहाँ पे और एक अच्छा मूव देखने को मिला था सिक्सटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड पर हमने इसे बुक भी किया था रीज़न सिंपल है अगर आपको इंटरा डे में एक ऐसे इतने बड़े स्टॉक में टू हंड्रेड रुपीज़ का मूव मिल रहा है तो there is no reason why you should not be booking that stock let it go let it go even thousand rupees from here doesn't matter intraday में आपको अगर अपना शेयर मिलता है चुपचाप ले करके और उसको निकल जाए ये यहाँ पे अच्छा हुआ कि हम लोग निकल गए और उसके बाद एक पुल बैक हुआ एल्स इट कुड है मूवड एनी वेयर बट डजेंट मैटर सो दिस वॉज़ द रीज़न वी हैव टेकन इट एंड नॉट ओनली दिस ये अभी हमारे रेडार में रहेगा सिक्सटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड के ऊपर जाने के बाद शायद हम लोग इस पर एक बार और प्ले कर सकते हैं ये हो सकता है कि एक अच्छा खासा लेग हमें देखने को मिले सो एक ही बार नहीं इसको आने वाले टाइम में हम लोग इसको मल्टीपल टाइम्स प्ले कर सकते हैं इंट्राडे बोलिए स्विंग ट्रेडिंग की यही खासियत है आपको एक ही स्टॉक में मल्टीपल लेग्स प्ले करने को मिलते हैं अगर एक स्ट्रांग स्टॉक है आप उसको अपने रेडार में रखिए और उसको आप बार बार मिल कर सकते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो हम लोग देख रहे थे वो है बजाज फिनेंस अगर आपको याद होगा दो दिन पहले हमने अपने वीडियो में बोला था कि बजाज फिनेंस अपने बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट के पास है जो कि 200 हंड्रेड है आज बहुत ही अच्छे तरीके से 200 हंड्रेड के ऊपर क्लोज़ मिला है पिछला दो दिन थोड़ा वीक लगा था तो कैज़ यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है दैट वेन अ सपोर्ट ब्रेक्स ऑन द डाउन साइड डोंट इमीडिएटली शॉर्ट इट वेट करिए

शॉर्ट कवरिंग बाउंस हमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है इसको अपने रिडार पे रखिए कैश लॉन्ग्स बना के रखिए मोमेंटम अभी नहीं मिला है जो आप इसमें ऑप्शंस में एंट्री करें मोमेंट ऑप्शंस में एंट्री के लिए हमें हमेशा मोमेंटम की का वेट करना चाहिए वो मोमेंटम आने दीजिए हम लोग ऑप्शंस में भी डेफिनेटली इसको आने वाले टाइम में ट्रेड करेंगे कुछ दिनों पहले हमने अपोलो हॉस्पिटल अगर आप हमारा वीडियो uh, रेगुलरली देख रहे हैं तो आपको याद होगा अपोलो हॉस्पिटल हमने चार पाँच दिन पहले हमने डिस्कस किया था और आज आप देख सकते हैं कि फाइनली एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला है और अब ये लग रहा है ये जोन ये लाइन भी हमने उसी दिन बनाया था अगर आपको ध्यान होगा एट फोर्टी सिक्स सो नाउ अबव 4600 वी कैन एक्चुअली प्ले फॉर अ गुड मूव सो कीप इट इन योर रेडार टुमारो एंड फॉर डे आफ्टर टमोरो इसमें लॉन्ग पोजिशंस बनाएँ और बनाए रख सकते हैं अगेन ये रिकमेंडेशन नहीं है आप प्रॉपर रिस्क मैनेज करें और अपना ड्यू डिलीजेंस जरूर करें बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन टू दिस बट हाँ ये ज़रूर है स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इसके ऊपर हमें एक अच्छा खासा 100-200 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है 100 और 200 हंड्रेड अप कैन डेफिनेटली कम सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वील अगेन कम अप विथ आवर मॉर्निंग कमेंट्री टूमोर तब तक के लिए बाय बाय अगर आप अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में यू कैन फाइंड आवर टेलीग्राम चैनल लिंक डोंट फॉरगेट टू फॉलो इट फॉर एवरी डे अपडेट थैंक यू गाइज हैव अ गुड डे अड